हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया। मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नायब कैबिनेट ने 3 निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का फैसला किया है। पंचायतों में 8% आरक्षण ग्रुप ए के लिए था, इसके साथ अब ग्रुप डी को 5% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। नगर निगम में ग्रुप बी के लिए 5% आरक्षण मिलना शुरू होगा और 8% जस का तस रहेगा और ग्रुप बी का 5% ज्यादा मिलेगा। मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस वाले हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन वे भी पाई पाई का हिसाब लाए हैं। उन्होंने हुड्डा को चुनौती दी कि वे आंकड़ों के साथ मैदान में आए। हुड्डा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा, हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखे? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद और भ्रष्टाचार के सिवाय हरियाणा को कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ईज ऑफ डूइंग करप्शन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक का फासला भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस की सरकारें जब बनती थी, एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचता था, दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा तक पहुंचती थी, एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास करती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र का विकास करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण हरियाणा का विकास करने वाली सरकार देने का काम किया। अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नायब सैनी मुख्यमंत्री होकर भी सामान्य व्यक्ति हैं। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे, मैं सैनी जी को ढंग से जानता हूँ। एक ऐसा आदमी है कि जो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बना है, ये सीएम तो बना है मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है, मेरे पिछड़ों आपका प्रतिनिधि है। इसका दरवाजा 24 घंटा 365 दिन आपके लिए खुला रहेगा, मैं आपको गारंटी देकर जाता हूं। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, आज एक रहस्य की बात बताता हूं, मोदी जी के दिल में हरियाणा देश में सबसे ऊपर है, ऊपर है मेरी बातियां। कुल मिलाकर अब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का दक्षिणी हरियाणा पर फोकस है। अमित शाह ने पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह से दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल को साधने की भरपूर कोशिश की। सूर्य समाचार के लिए महेंद्रगढ़ से जुगेंद्र कुमार की रिपोर्ट।